तो जब हम बात करें ओबेसिटी या ओवरवेट की, तो वो चीजों के लिए हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है या कुछ फॉर्मूलाओं का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मतलब कि जब हमें किसी का डाइट बनाना होता है तो तीन चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और हमारे क्लाइंट्स भी कई बार हमें वो सवाल पूछते हैं। सबसे पहला सवाल पूछा जाता है कि हमें कितनी कैलोरीज का डाइट खाना चाहिए, मतलब कि हमारा BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट के हिसाब से हमें उनको कैलोरी प्रोवाइड करनी है। बेसल मेटाबॉलिक रेट को हम कहते हैं BMR, जिसकी फॉर्मूला है 2.2 इंटू 11 इंटू बॉडी वेट। मतलब कि यहाँ पर ये टोटल जब आप करते हो, मल्टीप्लिकेशन करते हो और जितनी कैलोरीज आपके सामने आती है, ओवरऑल उतनी कैलोरीज का डाइट उस इंसान का आपको बनाना होता है। सेकंड नंबर पे आता है BMI, जिसका फुल फॉर्म है बॉडी मास इंडेक्स। मतलब कि जब आपके पास आपका क्लाइंट आता है तो वो क्लाइंट अंडरवेट है, नॉर्मल है, ओवरवेट है, ओबेसिटी पार्ट 1, पार्ट 2 या पार्ट 3 में आता है, वो जानना भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। जिसकी फॉर्मूला है आपका बॉडी वेट अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। ये जब आप करते हो और जो डिजिट आपके पास आता है वो डिजिट आपको बताता है कि आपका क्लाइंट कौन सी कैटेगरी में आता है।